Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the liquidation of companies and we are going to directly solve the question. So hum liquidation ke upar jo question expected honge wo hum is video mein solve karne wale hai. To video ko last tak dekhte rahe aur agar aap pehli baar channel pe aaye ho to subscribe kar le aur bell notification ko bhi daba de, because main aise last minute revision related videos late rehta hu. So most of you are commenting that we require a problem solving on liquidation. So liquidation के ऊपर काफी सारे students को doubt थे. देखो basically liquidation के जो भी paper में questions पूछे जाएंगे that will be usually carrying 10 marks in the paper. तो हम 20 marks के question अगर पूछा गया तो किस type से पूछा जाएगा वो solve करते हैं. इस पूरे chapter में दो levels है. मैं आपको directly difficult level ही solve करवा रहा हूँ, because अगर हम सिंपल लेवल की बात करें तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दैट इज़ फुल्ली पेड अप वैरायटी. अभी हम इस पूरे चैप्टर में पार्टली पेड अप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो पार्टली पेड अप की अगर हम बात करें तो पार्टली पेड अप में वी हैव टू सी दैट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट एज कंसर्न. तो एडजस्टमेंट जो है वह एडजस्टमेंट हमको ध्यान से देखने, जैसे ए लिमिटेड वेयर वेंट इन टू वॉलेंट्री लिक्विडेशन, तो ए लिमिटेड वॉलेंट्री लिक्विडेशन में गया है. एंड वॉलेंट्री लिक्विडेशन कब गया है? 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर को ए लिमिटेड वॉलेंट्री लिक्विडेशन में गया है. एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी द पॉइंट रिलेटेड टू द कैलकुलेशन. सो कैसे इसको कैलकुलेट करें? सो सबसे पहले आपको लिक्विडेशन का डेट देखना है कि लिक्विडेशन का डेट है आपका 31 दिसंबर 2019. देन वी हैव टू सी दैट द क्वेश्चन 5,000 10% preference shares of 100 each, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज फुल्ली पेड अप. 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यहाँ पे है 75 पेड अप, तो ये प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज यहाँ पे पार्टली पेड अप दिया है. तो 75 रुपीज पेड अप है, मतलब यहाँ पे 25 रुपीज इज नॉट पेड अप. देन 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 60 रुपीज पेड अप. तो 60 रुपीज पेड अप है, यहाँ पे 40 रुपीज इज नॉट पेड अप. तो मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट इज 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, दैट इज 2,50,000. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स दिया है 37,500. क्रेडिटर्स दिया है 3,18,750. सिमिलरली वी हैव द असेट्स, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये सारे असेट्स हमारे पास है. तो अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तरफ पढ़ते हैं. एडजस्टमेंट में दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमारा एरियर्स है 2 ईयर्स के लिए, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स. क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स रुपीज 38,000, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 38,000. दी असेट्स वे रियलाइज एज अंडर, तो असेट्स का रियलाइजेशन हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल एक्सेट्रा. द एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन इज 27,250. द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू कमीशन एट द रेट 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश. ऑल द पेमेंट्स टू डिबेंचर होल्डर्स वेर मेड ऑन 30 जून 2020. प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. तो बेसिकली व्हेनेवर द क्वेश्चन ऑफ लिक्विडेशन कम्स, आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है. तो इसमें हमने देखा कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोथ द इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड अप. तो दोनों के दोनों इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है. एक में 75 पेड अप दिया है, एक में 60 पेड अप दिया है. तो हमको जब हम लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाएंगे, लिक्विडेशन में एक्चुअली सारे असेट्स को रियलाइज़ किया जाएगा. तो जितने भी असेट्स रियलाइज़ किए हैं वही हमारे फॉर्मेटिंग में आएंगे. और सबसे कैलकुलेटिव पॉइंट है क्रेडिटर्स का, और उसके बाद हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर्स का कमीशन, वो परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है. तो हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, अभी मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में डिटेल ऑलरेडी भर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं बिकॉज हमारा टाइम बचेगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो. तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. देखो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दो साइड्स है हमारे पास, वन इज रिसीप्ट एंड अनदर इज पेमेंट. तो हमारी रिसीप्ट साइड है एंड सेकेंड साइड इज द पेमेंट साइड. देखो रिसीप्ट साइड में हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं. तो मैंने जो फॉन्ट में लिखा है, ब्लैक फॉन्ट में लिखा है, दैट इज टू असेट्स रियलाइज, ये पहला आपको याद रखना है. असेट्स रियलाइज पहले आएगा, उसके बाद आपको अदर असेट्स लिखने हैं, जो भी आपके अदर असेट्स होंगे जो रियलाइज होंगे वो हमको यहाँ लिखने हैं.
फिर हमको लिखना है टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज अगर कोई असेट किसी असेट के ऊपर सिक्योर्ड है, मॉर्गेज है, तो वो सारे असेट्स यहाँ हम रिकॉर्ड करके उसमें से मॉर्गेज की वैल्यू माइनस करके बाकी का जो असेट बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। एंड देन कैन बी द कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स। कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, अगर आया तो हम कैलकुलेट करके इसको लिखेंगे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बताऊंगा। सो रिसिप्ट साइड में हमको सिर्फ तीन पॉइंट याद रखने हैं, नंबर वन असेट्स रियलाइज, नंबर सेकंड अदर असेट्स रियलाइज, एंड नंबर थर्ड सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। नंबर फोर्थ वी हैव कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, वो हर क्वेश्चन में नहीं आता है, वो एज पर द क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्रेडिट साइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिक्विडेटर्स अकाउंट, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग डिबेंचर होल्डर्स जिसमें डिबेंचर्स आएंगे, तीसरा हेडिंग क्रेडिटर्स, फोर्थ हेडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिफ्थ हेडिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यही सीक्वेंस में हमको पूरा पेमेंट करना है, बिकॉज पहले सारे लोगों को पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में हमें क्या करना है, रिसिप्ट साइड में हमको लिखना है टू असेट्स रियलाइज, सबसे पहले कैश या बैंक लिखना है, तो कैश या बैंक आपको यहाँ से लिखना है, चेक कर सकते हैं हम हमारे क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश की वैल्यू या बैंक की वैल्यू, तो कैश की वैल्यू है 75,000, तो ये 75,000 आपको यहाँ लिखना है, तो 75,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज़ द कैश का वैल्यू। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर असेट्स रियलाइज, अदर असेट्स रियलाइज में सारे के सारे पॉइंट्स आपके एडजस्टमेंट में से आएंगे। सो वॉट एवर असेट्स आर रियलाइज बाई द लिक्विडेटर, ऑल दी असेट्स विल कम ओवर हियर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसिवेबल्स, ऑल दिस असेट्स आर रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट, तो वी कैन चेक द एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक एंड ट्रेड रिसिवेबल्स। सो आई हैव कॉपीड ऑल दिस अमाउंट फ्रॉम ओवर हियर ओनली, तो जितने भी असेट्स आपके रियलाइज होंगे वो सारे के सारे असेट्स हमको हमारे डेबिट साइड में लिखने हैं। तो डेबिट साइड में हमारे सारे असेट्स आए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसिवेबल्स। तो आफ्टर दिस सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज आएगा, वो हमारे क्वेश्चन में फिलहाल नहीं है, अगर मॉर्गेज का कंसेप्ट आया तो आप यहाँ पे उसको माइनस करके लिख सकते हो। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज बाय लिक्विडेटर्स अकाउंट। अभी ये कैसे करना है, देखो लिक्विडेटर्स अकाउंट में लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स कमीशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी। तो जो सबसे पहले सिंपल है वो हमने लिखा है, लेट अस चेक लिक्विडेशन, द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन वॉज 27,250, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू कमीशन एट द रेट 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। तो आपको याद रखना है, वेन एवर कमीशन इज पेड टू द लिक्विडेटर इट इज ऑलवेज एक्सक्लूडिंग कैश, बिकॉज कैश को हम बेच के उससे कुछ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, कैश तो ऑलरेडी उनके पास है, असेट्स को ही रियलाइज किया जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे सभी लोगों का सेटलमेंट होगा। तो हमको कैश या बैंक जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा कमीशन देते वक्त। अभी हम जो सिंपल चीज़ें हैं वो पहले लिखेंगे, जैसे लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस 27,250, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में दिया था। देखो अभी लिक्विडेटर्स कमीशन क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, तो 3% लेना है सारे असेट रियलाइज पे कैश छोड़ के, तो इसीलिए मैंने इसको बैंक या कैश, ये जो बैंक है दैट इज कैश, कैश या बैंक दो भी पॉइंट है, वो दोनों में से दोनों पहले हम इधर लिख देंगे। फिर जो अदर असेट्स लिखे हैं हमने, ये 3 लाख से लेके ये 2 लाख तक, इन सभी को आप अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 12,25,000, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया इधर। सो 12,25,000 का 3%, दैट इज ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, सो 12,25,000 का 3% कम्स टू 36,750, दैट इज द लिक्विडेटर्स कमीशन। तो मैंने क्या किया, लिक्विडेटर्स अकाउंट लिखा, उसके अंदर हमने दो पॉइंट लिख दिए। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट कॉल्ड एज बाय डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में वी हैव 15% डिबेंचर्स 2,50,000 एंड वी ऑल्सो हैव द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स 37,500, तो ये 2,50,000 डिबेंचर्स की वैल्यू और ये 37,500 ये भी डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इन दोनों को सबसे पहले हमें यहाँ कॉपी करना है कि 15% डिबेंचर्स 2,50,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स 37,500। फिर ये इंटरेस्ट एक्रूड, ये कौन सा इंटरेस्ट आया है, इसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लेट अस रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, लेट अस रीड द लास्ट सेकेंड लास्ट सेंटेंस, द पेमेंट्स टू द डिबेंचर होल्डर्स वेर मेड ऑन 30 जून 2020।
तो डिबेंचर होल्डर्स को सारे पेमेंट्स 30 जून 2020 को किए गए। तो अगर हम देखें कि हमारा लिक्विडेशन जो है, लिक्विडेशन हुआ था 31 दिसंबर 2019 को, तो 31 दिसंबर 2019 को हमारा लिक्विडेशन हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 20, सो 1 जनवरी से लेके 30 जून 20, दैट कम्स टू 6 मंथ्स। तो हमने क्या किया, डिबेंचर होल्डर्स को 6 मंथ्स लेट पेमेंट किया है। तो अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को 6 मंथ्स लेट पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट पेमेंट किया, हमको उसके बदले में इंटरेस्ट दो। तो दैट इज़ वाई वी विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दी वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो वी हैव 2,50,000 ओवर हियर, तो 2,50,000 का 15% एंड 6 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट कम्स टू 18,750 रुपीज़। सो डिबेंचर होल्डर्स में ये तीन चीज़ आ सकती है। अगर डिबेंचर होल्डर्स को उसी दिन पे किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिबेंचर होल्डर्स को कुछ दिन के बाद या कुछ मंथ्स के बाद पेमेंट किया होगा तो जितने मंथ्स हम डिले करेंगे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रेडिटर्स। सो नाउ द क्रेडिटर्स कम्स, तो क्रेडिटर्स में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वन इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड वन इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो इसको अभी कैसे कैलकुलेट करें, तो देखते हैं एडजस्टमेंट को। लेट अस चेक द एडजस्टमेंट। सो वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹38,000। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 38,000 और ऊपर चेक करते हैं टोटल क्रेडिटर्स है 3,18,750। तो इस 3,18,750 में से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, 38,000। तो हमें क्या करना है, 3,18,750 में से 38,000 को डिडक्ट कर देना है, तो आपको बाकी का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मिल जाएगा। तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मैंने लिखा है 38,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आया, क्वेश्चन के जो भी क्रेडिटर्स थे 3,18,750 उसमें से हमें माइनस करना है 38,000, तो हमें मिलेगा बैलेंस एंड दैट इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वैल्यू मिला एंड दैट इज दी 2,80,750। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल होल्डर्स। तो वी हैव प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू पॉइंट्स अगेन, दैट इज प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो इसके लिए भी हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल की अमाउंट देखते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे है 5 लाख और प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स। तो वी नीड टू कैलकुलेट नाउ कि कैसे कैलकुलेट करें इसको। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारा 5 लाख मैंने सीधा कॉपी कर लिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने साल के लिए एरियर्स है, 2 साल के लिए एरियर्स है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू देखनी है। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 5 लाख थी, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख थे, कितने परसेंट थे, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर थे, 10% थे। तो हमें अभी कैलकुलेट करना है डिविडेंड को, तो हम अभी डिविडेंड को कैलकुलेट करेंगे। लेट अस चेक हाउ टू कैलकुलेट दिस 1 लाख। सो देखो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, सो 2 साल के लिए एरियर्स थे, तो वी गॉट द आंसर एज 1 लाख, दैट इज द प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगेन आई रिपीट द स्टेप, डेबिट साइड में आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा असेट रियलाइज, कैश या बैंक की वैल्यू को बाहर लिखना है। देन द सेकेंड स्टेप इज अदर असेट्स, अदर असेट्स में जितने भी असेट्स आपके एडजस्टमेंट में होंगे वो सारे के सारे असेट लिखने हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, अगर आपके कोई भी असेट के ऊपर कोई दूसरा असेट मॉर्गेज रहेगा, मतलब आपके पास बैंक लोन है और लिखा होगा बैंक लोन इज मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको हम ये नीचे प्रेजेंट करेंगे। फिर कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, ये वर्किंग नोट बना के ही पता चलेगा कि कॉल करना है या रिफंड देना है। देन कम्स टू द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में सबसे पहला पॉइंट आएगा लिक्विडेटर्स अकाउंट, लिक्विडेटर्स अकाउंट के बाद आएगा डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के बाद आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद आएगा प्रेफरेंशियल होल्डर्स एंड प्रेफरेंशियल होल्डर्स के बाद सबसे लास्ट में आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट मैंने क्यों नहीं लिखी है, बिकॉज मैं आपको बाकी के सारे अमाउंट्स डायरेक्ट थे इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट किए थे ताकि हमारा टाइम बच जाए। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट हमें कैलकुलेट करके करनी है, देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप। तो ये वर्किंग नोट देखो ध्यान से, मैंने अमाउंट नहीं लिखे हैं, मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। देखो टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स का मतलब है डेबिट साइड, जो आपका रिसिप्ट्स है, ये जो रिसिप्ट साइड है
उसमें हमारे डेबिट साइड में 75,000 एंड 12,25,000। अगर हम 75,000 और 12,25,000 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, टोटल रिसिप्ट्स का अमाउंट हमको मिलेगा दैट विल बी 13 लैक्स। तो 13 लैक्स इज माई टोटल रिसिप्ट्स। देन वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ टोटल पेमेंट्स। तो टोटल पेमेंट्स को आपको ऐड करना है, सारे टोटल पेमेंट्स जो आपके दिए हुए हैं क्रेडिट साइड के, वो सारी चीज़ों को ऐड करना है। तो वो सारी चीज़ों को आप ऐड करो 27,250 से लेके लास्ट का जो 1 लाख है वहाँ तक आपको ऐड करना है। तो उन सब का टोटल आपको मिलेगा 12,89,000। चेक कर लेना एक बार, वी आर गेटिंग द सेम आंसर, मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है। सो 13 लैक्स माइनस 12,89,000 आपको बैलेंस मिलता है पॉजिटिव 11,000। तो दैट इज बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो हम दैट इज वी विल राइट प्लस 11,000, और नेगेटिव आया तो इसको ब्रैकेट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नोशनल कॉल। अब ये नोशनल कॉल का कंसेप्ट क्या है, उसके लिए आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हम 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 75 पेड अप, 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 पेड अप। तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों पार्टली पेड अप है, हमें सबसे पहले इन दोनों शेयर्स को देखने के बाद ये चेक करना है कि 75 और 60 में से छोटा नंबर कौन सा है। तो 75 और 60 में से छोटा नंबर 60 है, तो हमें क्या करना है, 75 को कुछ नहीं करना है, 75 सेम रखना है। हमें क्या करना है, इस 60 को 75 करना है, मतलब दोनों इक्विटी शेयर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर 60 को हमें 75 करना है तो 60 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 15। तो अगर हम 60 में 15 प्लस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75 और 75 दोनों सेम हो जाएंगे। सो अगेन आई रिपीट, वेन एवर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन, वॉट वी हैव टू डू, जो बड़ा नंबर है उसको कुछ नहीं करना है, जो छोटा नंबर है उसको हम बड़े नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 60 है, तो 60 को अभी मुझे 75 करना है, तो कितने रुपीस का एक्स्ट्रा पेमेंट लेना पड़ेगा लोगों से, दैट इज 15। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट 15 का हम लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नोशनल कॉल। नोशनल कॉल का मतलब होता है काल्पनिक कॉल, या एक्चुअली का कॉल नहीं है, जस्ट हम नोशनली उसको कॉल कर रहे हैं, तो उस बेस पे अभी हम नोशनल कॉल करेंगे। देखो अभी नोशनल कॉल की अमाउंट कैसे आएगी, नोशनल कॉल की अमाउंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपीज़ का कॉल। 7,500 शेयर्स थे, इंटू 15 रुपीज़ का कॉल कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 1,12,500। तो 1,12,500 आपका नोशनल कॉल का अमाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे, 1,12,500 में 11,000 को प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल, दैट इज 1,23,500, दैट इज रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल रिसिप्ट्स लेना है, माइनस टोटल पेमेंट्स करना है, विल गेट बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्लस नोशनल कॉल करना है, नोशनल कॉल छोटे नंबर वाले को ही नोशनल कॉल करना है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जितना भी हम नोशनल कॉल करेंगे, फिर आंसर मिलेगा रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन हमको लिखना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे लिखना है, फिर से एक बार बताता हूँ। हमारे पास दो टाइप के इक्विटी शेयर्स थे, एक था 2,500, एक था 7,500। अगर हम 2,500 और 7,500 दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 2,500 प्लस 7,500, तो दैट विल बी टोटल 10,000 शेयर्स। दिस इज 10,000 शेयर्स, ये अपने शेयर्स है। अब हमें क्या करना है, 1,23,500 को 10,000 से डिवाइड करना है। सो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा रिफंड पर शेयर 12.35। तो 12.35 पर शेयर आपका रिफंड आया। ये वर्किंग नोट अगर आपने सही बना लिया तो बाकी के कैलकुलेशंस आपके सही हो जाएंगे। अब ये वर्किंग नोट बनाने के बाद थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन बताता हूँ। तो हाउ टू क्लैरिफाई दिस, देखो वी हैव टोटल 10,000 शेयर्स, हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले, ध्यान से समझना, 10,000 शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, एक है हमारे 2,500 शेयर्स जिन लोगों ने 75 भरा है, 75 पेड अप है, सेकेंड हमारे पास है 7,500 शेयर्स, इन लोगों ने कितना भरा था, 60 भरा था, तो 60 इन लोगों ने पे किया था, प्लस हमने 15 का नोशनल कॉल किया,
15 का नोशनल कॉल करने के बाद इनको अभी हमने रिफंड देने वाले हम लोग 12.35 का, ठीक है, 75 पेड अप था, इसमें से भी हमने 12.35 का इनको रिफंड दिया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है, दोनों के राइट सेम है, दोनों को सेम रिफंड मिलना चाहिए। सो इन दोनों को अगर हम रिफंड देंगे, 75 वाले को 12.35 का रिफंड देंगे, तो इनको भी कितना लॉस हो जाएगा, 62.65 का लॉस हो जाएगा पर शेयर। 60 प्लस 15 विल बी 75 अगेन, एंड माइनस 12.35 करेंगे, इधर भी लॉस हो जाएगा 62.65 लॉस। अभी आपको एक चीज याद रखनी है, दोनों में लॉस सेम आना चाहिए, तो ही तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्वल राइट्स के बेसिस पे डिवाइड होगा। अगर दोनों में लॉस अलग अलग आया तो आपने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है। अभी जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कोई पंगा नहीं है, ये सेटल हो जाएंगे। 75 पेड अप थे, 12 रुपया कंपनी रिफंड दे देगा, 62.65 का इनको लॉस हो जाएगा। 7500 शेयर्स थे, इन्होंने सिर्फ 60 भरा था, अभी इनसे हमको 15 का नोशनल कॉल करना था। मैंने आपको बताया नोशनल कॉल काल्पनिक कॉल होता है, तो नोशनल कॉल हमको 15 का करना है, मतलब कि हमको सामने वाले लोगों से जो शेयर होल्डर्स है उनको 15 रुपीज़ हमको बोलना है कि 15 रुपीज़ आप भरो, तो हमने उनको बोला आप 15 रुपया भरो। वो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप हमको 12.35 का रिफंड देने वाले, तो अगर हम 15 रुपीज सामने वाले से ले रहे हैं और उनको हम 12.35 देने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, हमको 15 रुपीज कॉल करना है और हमको रिफंड कितना देना है, 12.35 का रिफंड देना है। सो हमने उनको बोला कि आपसे मुझे 15 लेना है और आप और हमें आपको 12.35 देना है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंस जो रहेगा, डिफरेंस 2.65 का, वही आप हमें पैसा दो, दैट इज कॉल्ड नेट कॉल। तो यही हम नेट कॉल करेंगे। अभी 15 रुपया लेना था, 12.35 देना था, अगर 15 रुपया लेना है, 12.35 देना है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ही एडजस्ट करके उतना ही आप हमें दे दो। इसमें रिवर्स भी आ सकता है, देखो 15 रुपया लेना है और अगर हमारा रिफंड 16 आया, तो इस केस में हम उन्हें रिफंड देंगे 1 रुपीज का, और उस केस में पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, कॉल नहीं होगा। तो अगेन आई रिपीट, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। सो कॉल क्या है, 15 रुपीज हम कॉल करने वाले हैं और 12.35 का वी आर गोइंग टू पे देम रिफंड। तो हमने 15 रुपया लेना था, 12.35 देना है, तो हमने बोला एक काम करते हैं, 15 रुपया आप हमको मत दो, 12 रुपया हम आपको नहीं देंगे, जो भी डिफरेंस है वो आप हमें दो, दैट इज कॉल्ड एज नेट कॉल। अभी 2.65 का नेट कॉल आया, देखो कैसे एंट्री करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, नेट कॉल किस पे होने वाला है, कौन से शेयर्स पे होने वाला है, 7500 शेयर्स पे नेट कॉल होगा। तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, 7500 मल्टीप्लाइड बाय 2.65 का नेट कॉल, तो 7500 इंटू 2.65 करेंगे तो आंसर आएगा 19875, दैट इज योर नेट कॉल। इसलिए मैंने पहले ही अमाउंट नहीं लिखी थी ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो 7500 को तो आपने नेट कॉल कर दिया, अभी जो बाकी के शेयर्स होल्डर बचे हैं 2500 वाले, इन लोगों को तो कॉल किया नहीं, इनको पूरा का पूरा रिफंड देना पड़ेगा 12.35। तो आपको याद रखना है, रिफंड हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कॉल हम डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे आया बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, 2500 हमारे शेयर होल्डर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय कितने का रिफंड हम दे रहे हैं, 12.35 का रिफंड दे रहे हैं। तो 12.35 का रिफंड देंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 30875, तो दैट इज़ द वैल्यू। अगर आप दोनों साइड को ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,19,875। सिमिलर टोटल ओवर हियर, 13,19,875, दैट्स इट। यही था बेसिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। ये पूरा जो क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, बिकॉज ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिससे आपका पार्टली पेड अप के दोनों लेवल क्लियर हो जाएंगे। फुल्ली पेड अप
काफी इजी है, उसमें ऐसा सब कैलकुलेशन ही नहीं होता है। डेबिट में सारे अमाउंट लिखने, क्रेडिट में सारे अमाउंट लिखने और उसको बैलेंस करके इक्विटी शेयर होल्डर में भेज देना है। लेकिन यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर होल्डर में नेट कॉल कितना या रिफंड कितना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दैट इज द बेसिक पार्ट। तो लिक्विडेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, और इसके बारे में अगर आपको और एक क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसके बारे में और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा कमीशन का, थोड़ा अलग टाइप का लेवल लेके। बट इफ यू रियली वॉन्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। और ये अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर। थैंक यू।